अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में, गोरखपुर और फूलपुर। दोनों संसदीय क्षेत्र में जो प्रमुख बातें निकल के आई हैं उसमें यह है कि एक अपराधी जो हमारे पहले के अनुभव रहे हैं कि 32% कमोबेश वही स्थिति है, 25% लोगों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिसमें से दो प्रत्याशियों ने अपने ऊपर संगीन अपराध, हत्या जैसे अपराध घोषित किए हैं। उनमें अतीक अहमद जो है वो फूलपुर संसदीय क्षेत्र से, और दूसरे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने जो समाजवादी परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने ऊपर ये मुकदमे जो खास तौर से घोषित किए हैं, उसमें अभी एक प्रमुख बात जो निकल के आई है फूलपुर से जो रईस अहमद खान साहब हैं इन्होंने किए हैं। इसी तरह से फूलपुर से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कौशलेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने अपने ऊपर दो आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जो उन्होंने जिसमें पहली पत्नी के रहते हुए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी से रचाने से संबंधित मामला है। इसी तरह से इस एक अच्छी बात जो इसमें निकल के आई है कि 78% उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं जो ये चुनाव में प्रत्याशी हैं, और इसी के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है ये इसमें ज़्यादातर प्रत्याशी जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट जैसे विषयों से निकले हुए हैं, जिनका विश्लेषण हमने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि फूलपुर ये गोरखपुर से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुधीरता करीम, इन्होंने अपनी जो कुल संपत्ति बताई है वो 3,70,00,000 बताई है, और जो देनदारी बताई है वो 3,56,00,000 बताई है। तो जो इस शपथ पत्र में का विश्लेषण करवाने के लिए हम लोग राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं एल वेंकटेश्वर लू और चुनाव आयोग से भी को भी इसके बारे में कहेंगे कि ठीक होगी। नरेंद्र प्रताप हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह पटेल, जिन्होंने अपनी संपत्ति जो है 33 करोड़ से अधिक की दिखाई है। अतीक अहमद जी ने 25 करोड़ की संपत्ति दिखाई है। इसी तरह से गिरीश पांडे जी ने जो है वो 10 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है।